अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं जी आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो फ्रेंड्स, आज था संडे का दिन, अभी तो खैर गुजर गया, अभी रात का टाइम है और मैं इस वक्त कर रही हूँ वॉइस ओवर। अभी इस टाइम 9 बज रहे हैं। तो फ्रेंड्स, रूटीन वाइज जो काम होते हैं वो यहाँ पे हो रहे थे और यहाँ पे देखें जी, हम लोग नाश्ता मैं बना चुकी थी और यहाँ पे देखें ब्रेड और मैं पापे आपको दिखा रही थी, उसके बावजूद भी बच्चों ने फरमाइश की कि मामा पराठा बना दें। तो यहाँ पे देखें जी, हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। यहाँ पे मैं और आंटी, देखें जी आंटी आई हुई थी, जो हमारी हेल्पर हैं वो आंटी आई हुई थी और मैं और आंटी यहाँ पे नाश्ता कर रहे थे और मज़े मज़े की गपशप भी लगा रहे थे। क्या करेंगे? हाँ सही बात है, सही बात है, महंगाई इतनी हो गई है। बोलो फ्रेंड्स, इतनी टेस्टी दाल बनी है। मैं और आंटी देखें यहाँ पे बैठ गए, नाश्ता भी कर रहे हैं और गपशप भी लगा रहे हैं। अच्छा जी फ्रेंड्स, यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे सारी क्लीनिंग जो है हम जो हमारी है वो कंप्लीट हो चुकी थी और यहाँ पे टाइम मैं आपको दिखा रही थी, तो टाइम 12:05 हो रहे थे और क्लीनिंग जो है हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी थी। और यहाँ पे मैं और इम्तियाज़ बैठ के गपशप लगा रहे थे क्योंकि आज संडे का दिन था, तो इम्तियाज़ के पास थोड़ा टाइम था। तो फिर इम्तियाज़ ने अच्छे से घर में टाइम गुजारा और हम लोगों ने खूब अच्छी अच्छी गपशप लगाई। तो ये देखें जी, यहाँ पे हो चुकी थी दोपहर, खाना सब खा चुके थे और खाना खा के अपने अपने रूम्स में सारे जा चुके थे और रेस्ट कर रहे थे सब लोग, और बच्चे भी सो गए थे। और यहाँ पे मैं आपको घर दिखा रही थी क्योंकि रोशनी बहुत तेज़ होती है दोपहर में, सीधी धूप जो है वो खिड़कियों से अंदर आ रही होती है। तो मैं दोपहर को जब सब लोग लेट जाते हैं तो मैं पर्दे वर्दे आगे कर देती हूँ, तो उससे बहुत अच्छा सा एक माहौल घर में बन जाता है और बहुत अच्छा फील होता है। और यहाँ पे भी देखें, ये वाला मैं आपको रूम दिखा रही थी और इस रूम के भी मैं लाइट्स ऑफ़ करके और पर्दे आगे कर चुकी थी। ये मैं आ गई हूँ फ्रेंड्स दूसरे वाले रूम में और यहाँ पे देखें, मैं आपको दिखा रही थी फ्रेंड्स बहुत बड़ी ये देखें जी गैलरी है और यहाँ से बहुत अच्छी हवा आती है और हवा की वजह से ये पूरा जो घर है हमारा वो बहुत अच्छा रहता है और ठंडा रहता है बहुत ज़्यादा। यहाँ से रूम से निकलें तो फ्रेंड्स ये देखें जी, इम्तियाज़ उठ चुके थे, इम्तियाज़ भी सोए हुए थे और यहाँ पर देखें जी बच्चे भी सोए हुए हैं और बच्चे खाना वाना खा के सो चुके थे। और मैं आपको दिखा रही थी, ये देखें जी बच्चे सोए हुए हैं, बच्चे फ्रेंड्स उठ चुके थे। तो बच्चे जैसे उठे हैं तो हम लोगों को जाना था, 2-3 काम थे हम लोगों को, वो निपटाने थे और फिर हम लोग निकल गए। बच्चे उठे जैसे ही तो बच्चों को मैंने चेंज करवाया, तो बच्चे जैसे ही चेंज बच्चों ने किया फिर हम लोग निकल गए थे। हम लोगों को फ्रेंड्स जाना था, 2-3 ज़रूरी काम थे वो निपटाने थे, तो फिर हम लोग निकल गए। सबसे पहले तो फ्रेंड्स मुझे लेना था अमूस का बैग, क्योंकि अमूस का बैग जो है वो बुरी तरीके से ख़राब हो चुका था। तो फिर इम्तियाज़ कह रहे थे चले आज संडे है, क्योंकि मंडे है कल, तो फिर मंडे से ये लोग स्कूल जाना शुरू हो जाएंगे फिर से। तो इम्तियाज़ कह रहे थे जल्दी से ले आते हैं बैग, तो फिर हम लोग निकल गए बैग लेने बच्चों के। हम उसका लेना था सिर्फ बैग और खाया पिया और ख़ूब इंजॉय किया। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, तिरजा ने लिए थे थोड़े से खिलौने और तिरजा यहाँ पे बैठे हुए थे हम लोग और तिरजा ख़ूब इंजॉय कर रही थी। यहाँ पे हमने गोलगप्पे और चाट मंगवाई थी और बहुत ही टेस्टी चाट और गोलगप्पे थे, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे पापा गोलगप्पे और चाट खिलाएँ। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर देखें जी चाट खाई मज़ेदार सी, और मज़ेदार से गोलगप्पे और तिरजा के आप आगे मज़े दिखेगा। तिरजा ने खूब मज़े ले लेके गोलगप्पे खाएँ, आप इंजॉय कीजिए वीडियो को। जो जेब में
यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए जी, हम लोग घर पे आ चुके हैं और मैम उसको उसका आपको बैग दिखा रही थी जो कि बहुत अच्छा और बहुत अच्छा मटेरियल था और हमें बहुत अच्छा लगा और उसको भी बहुत पसंद आया और पापा को और तकरीबन सबको बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे जी मैं आपको दिखा रही थी, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। यहाँ पे जी शाम हो चुकी है अभी अभी, बस हम लोग बैग वगैरह लेके हैं मूस लोगों का, थोड़ी देर हुई है हम लोग घर आए हैं। और यहाँ पे देखिए जी, मैंने थोड़ी सी रेस्ट की है और आते ही मैंने अभी हस्बैंड को भी चाय पीनी और सबको पीनी है, तो सबके लिए जी मैंने रख दी है यहाँ पे चाय। इसको लगाते हैं साइड पर, चीनी डालते हैं, चीनी का डब्बा खोल, तो चीनी जी मैं देखिए डाल रही हूँ, चाय सबके लिए बना रही हूँ, दो तीन डब्बे दूध की डालूंगी इसमें। और यहाँ पे रोटी बना रही हूँ प्याज की, ये देखें जी यहाँ पे रोटी भी बना रही हूँ साथ साथ, और साथ साथ मैंने चाय चढ़ाई हुई है। बस चाय जैसे ही अच्छे से जोश आता है तो फिर इसमें दूध डालते हैं और चीनी पत्ती के डब्बे को रखते हैं उसकी जगह पे। अमूस खाओगे पराठा? अच्छा, यहाँ पे जी बस चाय भी हमारी देखिए मज़ेदार से तैयार हो चुकी है और यहाँ पे देखिए जी पराठे। शाम के टाइम भी इनका दिल चाह रहा था तो मैंने सोचा चले मैं चुप बना देती हूँ पराठे, आपको भी चाहिए? ठीक है अभी बना के। तो अमूस भी आ चुके हैं और अमूस नहा रहे थे, अमूस नहा के आए हैं अभी और फ्रेश हो गए अमूस। और अमूस की भी फरमाइश आ गई है कि मामा मुझे भी पराठा चाहिए, अभी एक इम्तियाज़ के लिए बनाया पराठा और एक अमूस के लिए बना देते हैं। तो बस ये देखिए मज़ेदार सा पराठा तैयार हो चुका और वहाँ चाय भी तैयार हो चुकी है। चलें जी फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर के बाद आपसे बात करते हैं। अच्छा जी फ्रेंड्स, चाय में कपों में डाल चुकी हूँ, आप देख सकते हैं ये मज़ेदार सी चाय कपों में डल चुकी है और बच्चों को लग गई है हल्की सी भूख शाम की चाय के साथ। तिरजा देखें जी, ये ब्रेड और चाय, चाय के साथ ब्रेड खाएंगी तिरजा। और हम उस तो पराठा बनवा चुके हैं अपने लिए और तिरजा ये मेरे पास ही खड़ी हुई है। और चलें जी फ्रेंड्स, हम लोग पी रहे हैं चाय और अगर आपको पीनी है तो आप भी आ जाएं। तो आज की वीडियो का फ्रेंड्स यहीं पे एंड करती हूँ। अगर फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, हाफिज़।